बिहार की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और राज्य में असेंबली भंग हो जाने की चर्चा हो रही है। जहां कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मोदी सरकार की घोषणा से जेडीयू आरजेडी में शुरू हुई ये खटपट अब सरकार गिरने की नौबत तक पहुंच गई है। बता दें कि नीतीश के फिर से बीजेपी खेमे में जाने से घबराए लालू यादव सरकार बनाए रखने के लिए तेजी से सक्रिय हो गए हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार से फोन पर बात करके उन्हें मनाने की कोशिश भी की, साथ ही कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार को बचाए रखने के लिए आरजेडी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन को बनाए रखने के लिए लालू यादव ने यह भी आश्वासन दिया है कि वो सरकार से बाहर रहकर भी समर्थन दे सकती है। असल में आरजेडी को पता है कि आज के माहौल में सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण से चुनाव जीतना नामुमकिन है। नीतीश के साथ रहने पर आरजेडी को अति पिछड़ा वोट और महिला वोट मिल सकता है। जी हां, ऐसे में वोटों के इसी गुना भाग को समझते हुए लालू की बेटी से ट्वीट डिलीट करवाया गया। आरजेडी सूत्रों का दावा है कि बिहार सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार जल्द ही आरजेडी से गठबंधन पर अंतिम फैसला लेंगे। वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही असेंबली भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ ही हो सकते हैं। फिलहाल लालू यादव के आवास और सीएम आवास पर नीतीश कुमार अलग अलग बैठक कर रहे हैं। सीएम आवास की बैठक में जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। वहीं लालू यादव अपने करीबियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बता दें कि चर्चा चल रही है कि आरजेडी से अलग होकर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। ऐसा होने पर बीजेपी इस बार अपना सीएम बनाने पर जोर देगी। वहीं नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखने पर बीजेपी को अपने और राममय कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जी हां, वर्ष 2020 में हुई असेंबली चुनाव में भी लोगों का गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ था, लेकिन उसका खामियाजा बीजेपी को भी झेलना पड़ा था, जबकि आरजेडी को उसका फायदा मिल गया था और उसने ऊंची जातियों के भी वोट हासिल किए थे। बीजेपी चाहेगी कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, जिससे मोदी और राम नाम से दोनों का बेड़ा पार हो जाए। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक वहीं नीतीश कुमार को डर है कि आरजेडी उसके 12 विधायक तोड़कर सरकार बना लेगी। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी से हैं। ऐसे में नीतीश के विधायक तोड़ने पर बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाएगी, जिसके चलते नीतीश को अपने विधायक और सरकार दोनों गंवानी पड़ सकते हैं। इससे बेहतर है कि बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया जाए, पर यह बीजेपी के शर्तों पर और नीतीश का सम्मान बरकरार रखते हुए ही संभव हो पाएगा।